नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पूरे भारत में 10 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार ने 4 लाख जो कि जरूरत से कहीं ज्यादा शिक्षकों को खोज निकाले हैं। अब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा नहीं HRD मंत्रालय का कहना है। न्यूज आज की है कि गांव के सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में 4 लाख से भी अधिक शिक्षक बेवजह जमे हुए हैं। देश भर में 10 लाख से भी अधिक शिक्षकों की घोषित कमी के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसे शिक्षकों को खोज निकाला है जिनकी वर्तमान तैनाती में कोई जरूरत नहीं है। फाइनली आप सब देख सकते हैं कि HRD मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने ऐसे शिक्षकों को खोज निकाला है जिनकी वर्तमान तैनाती में कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब साफ है, कल तक जो सरकार का कहना था कि पूरे भारत में 10 लाख शिक्षकों की कमी है, अब उसका बयान ये आ रहे हैं कि 4 लाख हमने ऐसे शिक्षकों को खोज लिया है जिसे अब बहाली करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रालय अब राज्यों को ऐसे शिक्षकों का कमी वाले स्कूलों में तबादला करने को कहेगा, यानी कि अब तबादला होगा, बहाली नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि हमने शिक्षा अधिकार कानून के मुताबिक तय मानकों के हिसाब से शिक्षकों का मूल्यांकन कराया था। इस दौरान पता चला कि एक तरफ शिक्षकों की खास कमी है तो कई स्कूलों में जरूरत से ज्यादा कई गुना अधिक शिक्षक नियुक्त हैं। ने अब तक 4 लाख ऐसे जरूरत से कई गुना ज्यादा शिक्षकों को खोज निकाले हैं। खास बात यह है कि उन राज्यों में इन जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है जिसमें शिक्षकों की सबसे अधिक पद खाली है। और यहाँ पे खास बात यह है कि उन राज्यों में जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनमें शिक्षकों के बीच अधिक पद खाली। कहने का मतलब साफ है कि जिस राज्य में शिक्षकों की सबसे ज्यादा पद खाली है उस राज्य में जरूरत से कहीं गुना ज्यादा शिक्षक मौजूद है, ये मेरा नहीं HRD मंत्रालय का कहना है। कहां कितने शिक्षक और कितने ज्यादा शिक्षक है इसकी बात करें तो यूपी में 2,31,193 शिक्षकों के पद खाली है, तो शहरों में 1 लाख से 1,10,000 ज्यादा शिक्षक नियुक्त है। बिहार की बात करें तो बिहार में 2,21,088 शिक्षकों के पद खाली है और शहरों में 90,000 से 1 लाख शिक्षक ज्यादा नियुक्त है। अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 91,399 शिक्षकों के पद खाली है, तो 40 से 45,000 शिक्षक शहरों में जो कि ज्यादा नियुक्त है। वहीं झारखंड की बात करें तो 81,872 शिक्षकों के पद खाली है, लगभग 40,000 से भी ज्यादा ऐसे शिक्षक है जो शहरों में नियुक्त है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने एक नया बहाना ढूंढ लिया है, बहाली अभी नहीं हो सकती है, आप देख सकते हैं। और फाइनली सभी राज्यों में शिक्षकों का समायोजन होगा, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर होगा, बहाली नहीं होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये HRD मंत्रालय कह रहा है। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही, थैंक यू।